हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रत्येक साल आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है। स्पेलिंग करेक्शन, ध्यान देंगे स्पेलिंग करेक्शन। करेक्ट वर्ड को चुनना रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं और इसमें करेक्ट वर्ड को चुनना रहता है जो आपके यहाँ सामने दिए हैं और आप हमको बताते भी हैं इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो पूछा हुआ भी है, तो इसे ध्यान देंगे। 4 ऑप्शंस में एक कोई ना कोई ऑप्शन सही होता है जिसको हमें चुनकर अलग करना पड़ता है। इसे पिछले वीडियो में हम ओड वर्ड समझाए थे, ओड वर्ड के मतलब होता है 4 वर्ड में कोई ओड है उसको निकालना था। इसमें 4 जो वर्ड्स दिए होंगे इसमें कोई ना कोई वर्ड जो है एकदम करेक्ट है उसको अलग कर लेना है, इसलिए स्पेलिंग करेक्शन भी इसे कहते हैं। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का जो तरीका रहेगा पूछने का वो यहाँ लिखा हुआ है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, निम्नलिखित में से जो शब्द है उसमें सही जो शब्द है जिसका स्पेलिंग सही है उसको चुनना है। तो ध्यान दीजिए, पहला है क्वेश्चन नंबर पहला में थिएटर कैसे लिखा हुआ है, तो थिएटर का स्पेलिंग क्या होता है, तो TheaterE, थिएटर जो देखिए कहां पर है, तो आपके ऑप्शन नंबर 1 है ए, आपका ए आंसर हो जाएगा TheaterE थिएटर। आगे लेते हैं दूसरा है क्वेश्चन में सिटीजन्स, सिटीजन कैसे लिखाता है, तो CITIZENS सिटीजन्स, यहां देख लीजिए कहां पर है CITIZENS सिटीजन्स, तो CITIZENS ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों डिस्करेज, निरुत्साह निरुत्साह करना, तो डिस्करेज का क्या स्पेलिंग होता है DISCOURAGE मिला लेंगे DISCOURAGE डिस्करेज, यहाँ DAC है तो ये सब तो होगा नहीं, डिस्करेज में यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए DISCOURAGE डिस्करेज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजुअली, यूजुअली कैसे लिखते हैं USUALLY यूजुअली ऐसे लिखते हैं, तो देख लीजिए USUALLY कहाँ है USUALLY यूजुअली, ये यूजुअली है आपका, ये सही है स्पेलिंग इसका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं भाई में सेमिनार कैसे लिखाता है SEMINAR 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 सेमिनार SEMINAR जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है SEMINAR सेमिनार ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत? आगे देखिए पूछो, ये आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी और जो 2022 में जो पूछा हुआ है वो भी दे दिया है, थोड़ा सा देखेंगे आप कितना आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, आंसर मिल जाएगा और नंबर भी मिल जाएगा इसमें। आगे देखेंगे मेडिसिन, मेडिसिन देख लेंगे मेडिसिन कैसे लिखते हैं MEDICINE MEDICINE देखते मिलाते जाइए ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है MEDICINE मेडिसिन ऑप्शन नंबर डी आपका यही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों बेगर, बैगेज है, तो बैगेज आप BAGGE बैगेज, बैगेज लिखाता है BAGGE बैगेज BAGGE बैगेज, तो यहाँ आपका हो जाएगा ये बैगेज बैगेज। चलिए आगे देखते हैं बच्चों यहाँ बंडल, जो आपको 2022 यानी कि 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बंडल, बंडल कैसे लिखते हैं, तो BUNDLE होता है बंडल, गठा बोझा जिसको बोलते हैं, तो बंडल देख लेंगे BUNDLE कहाँ है BUNDLE यहाँ पे बैंडल हो गया है, बैंडल हो गया है यहाँ, बैंडल हो गया है, तो यहाँ बंडल कैसे लिखा था, तो BUNDLE बंडल, तो ऑप्शन नंबर ए ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन भी देखिए, ये भी 2022 में पूछा हुआ है अपॉर्चुनिटी अवसर मौका, अपॉर्चुनिटी अवसर मौका, तो अपॉर्चुनिटी को देखेंगे बच्चों ओ डबल पी ओ आर
OOPPORTUNITY अपॉर्चुनिटी मिला देना है OOPPORTUNITY अपॉर्चुनिटी। तो यहां देखिएगा अपॉर्चुनिटी OOPPORTU अपॉर्चुनिटी TUNITY अपॉर्चुनिटी। तो यहां ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी अपॉर्चुनिटी। आगे देखेंगे कमिटी, यह अपॉर्चुनिटी भी 2022 में पूछा हुआ कमिटी। तो कमिटी में देखेंगे COMITEE है, तो COMITEE होता है, ध्यान रखिए कहां है COMITEE कमिटी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सी, आंसर क्या हो जाएगा सी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका सेट है यह प्रैक्टिस सेट के साथ साथ क्वेश्चन बैंक के रूप में काम किया है और ऐसे ही आपके एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से रखा है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे स्पेलिंग वाले कुछ आगे भी हम बताएं जो आगे इस प्रकार से, तो याद रखिए कुछ ऐसे ही वर्ड हम फिर से दे रहे हैं आपको जो इनकरेक्ट करेक्ट। तो आपके एग्जामिनेशन में तो एक ही ऑप्शन होता है जो सही चुनना होता है, तो इसको करेक्ट करके हम लेकर जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं दो बार देख लीजिए आपके एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे फुल फिल है, फुल फिल FULFIL ऐसा नहीं होता है FULFIL, skillful skillful का होगा SKILFUL skillful ऐसे होगा। assignment assignment में AASIGNMENT होता है जो यहां है assignment, genuine genuine ऐसे नहीं लिखाता है, देख लेंगे बच्चों GENUINE genuine ऐसे लिखाता है। access पहुंच जो होता है एक्सेस AACES एक्सेस ऐसे लिखाता है। Sometime ऐसे नहीं, ऐसी नहीं, SOME sometime ऐसे लिखते हैं। Favorite ऐसे नहीं लिखाता है बच्चों, देख लेंगे FAVOURITE favorite जो यहाँ है करेक्ट। Acquaintance ऐसे नहीं लिखाता, acquaintance AQUAINTANC acquaintance आप जाना पहचाना। Library देख लेंगे LIBRIED ऐसे नहीं होता है LIBRIED लाइब्रेरी ऐसे लिखा था बच्चों। आर्टेशियन ARTISAN ऐसे नहीं होता है ARTESIAN आर्टेशियन ऐसे लिखा था बच्चों। इंटरेस्ट INTERESTE होता है जो यहाँ गलत है, आपका सही यहाँ है INTERESTE इंटरेस्ट ऐसे होता है। देखें फैमिलीज की बात करते हैं, फैमिलीज की बात करते हैं तो देख लेंगे बच्चों का फैमिली यहाँ लिखा हुआ है आगे फैमिलीज FAMALIES गलत है FAMILIES फैमिली ऐसे होता है। रिटोरिक ऐसे है RETORIC गलत है, रिटोरिक होना चाहिए RHETORIC। तो ऐसे है बच्चों, तो आगे भी हम कुछ और बताते हैं जो आपको आगे भी है। यहां देख लीजिए हैमलेट HAMLET जो गलत है, इसका होना चाहिए HAMLET हैमलेट। घीटो झोड़ी झोपड़ी घीटो GHETOO होना चाहिए घीटो ऐसे लिखाता है। ट्रेमर TREMORE नहीं TREMOR ट्रेमर ट्रेमर। पल्पिट का स्पेलिंग सही करेक्ट स्पेलिंग होता है PULPIT जो यहां पर है। इंफीरियर का होता है इंफीरियर का INFERIOR इंफीरियर ऐसे है जो। ये मोबाइल WMO आता है IMMOBILE ये मोबाइल यहां है। बिजनेस ऐसे लिखा जाता है BUSINESS नहीं होता है BUIBU बिजनेस BUSINESS बिजनेस ऐसे लिखाता है। इंटेंशन INTENTION होना चाहिए ना कि NES यानी इंटेंशन ऐसे नहीं, यहाँ इंटेंशन ऐसे नहीं INTENSION नहीं INTENTION इंटेंशन। इंटरप्ट में डबल आर होता है जो यहाँ नहीं किया गया है, यहाँ देख लेंगे सही में करेक्ट कैसे लेंगे INTERRUPT इंटरप्ट। रिसीव RECEIPE होता है जो यहाँ गलत है RECEIPE। तो बच्चे
मैं ये तुमको एक खाका दिया हूँ, जो एक पैटर्न दिया हूँ तुम्हारे एग्जामिनेशन में ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक में आता है, जो करेक्ट स्पेलिंग में रहता है, जो वर्ड करेक्ट स्पेलिंग रहता है उसको हमें चुनकर अलग लिखना पड़ता है, वही हमारा आंसर होता है, वही ऑप्शन हमारा आंसर होता है। ये भी हमारे एग्जामिनेशन में 2 नंबर 3 नंबर का रहता है, तो मैं समझता हूँ जो बताया हूँ इसको भी देख लेंगे, एग्जामिनेशन में ऐसे भी आता है, इसको बार बार देखते रहिए। आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो मैं समझता हूँ इसको आप कर लेंगे, फिर अगले वीडियो में।